नमस्कार, आरती न्यूज में स्वागत है। इस वक्त हमारा साथ विष्णुधर पांडे हैं, यानी ज्योति सिंह के वकील, यानी पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह के वकील हैं। क्या कल कोर्ट में हलचल हुआ? कल उतना ही जो पहले हुआ था रिकॉन्सिलेशन की बात, उसी बात को लेकर पुनः कोर्ट ने रिकॉन्सिलेशन का प्रक्रिया एडॉप्ट किया। वहाँ पर उन लोग से बातचीत किया, एक डेढ़ घंटा बाद हम लोग बाहर अपने उनके इजलास में बैठे हुए थे। हम लोग को बाद में बुलाया गया, हमको हम गए वहाँ पर, तो कोर्ट के द्वारा हुआ जो 1 करोड़ रुपया देने पर तैयार हैं, 1 करोड़ रुपया ले लें, परमानेंट मनी 1 करोड़ रुपया ले लें और डाइवोर्स ही लोग आपस में कर लें। तो हम कुछ बोले नहीं, लेकिन फिर कोर्ट का ही हुआ जो साहब आप बाहर हट के इससे बातचीत कर लीजिए। तो उसमें जाकर हम बातचीत किए, तो वहाँ हम लोग भी समझाए बुझाए, हम लोग कहे जो भाई आप कुछ बोलना है तो बोलिए, लेकिन बच्ची थोड़ा सा डिप्रेशन में थी, रो रही थी, और रोने के बाद हम लोगों ने कहा कि हम लोग ये बात कहते हैं आपके तरफ से स्वीकार है, तो कह ठीक है, कहिए आप इस बात को, एक मकान दे दें नोएडा में या 3 करोड़ रुपया दे दें, यही बात हुआ। क्या पवन सिंह तैयार नहीं है? नहीं, वो कुछ बोले नहीं, हम लोग बात तो रखे हाईकमान कोर्ट के सामने, लेकिन वो कुछ बोले नहीं ये देंगे या नहीं देंगे। कोर्ट ने समझाया बुझाया भी हम लोगों को जी साहब 3 करोड़ रुपया जो है सो अब ये इनका क्या ये है, अवकाश है क्या नहीं, हम लोग तो नहीं जानते हैं, दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, लेकिन कुछ बात नहीं हुआ। उसके बाद हुआ जी हम लोग साहब केस को लड़ेंगे। कौन बोले? हाँ, हम लोग बोले जी केस लड़ेंगे। आप लोग बोले? हाँ, केस लड़ेंगे। और पवन सिंह नहीं लड़ेंगे? तो वो कुछ बोला नहीं, उनका वकील भी नहीं बोले, अभी कुछ नहीं बोले, तो यानी लंबा ये केस चलेगा? जी लंबा चलेगा। ये कुछ अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ कि तलाक होगा या नहीं होगा? ना ना, अभी कहीं खुलासा क्या? ज्योति सिंह नहीं रहना चाहते? नहीं, वो तो रहना शुरू से हम लोग का ही प्ली रहा है, हम लोग रहना चाहते हैं। डाइवोर्स केस तो ही लाए हैं हम लोगों ने, डाइवोर्स तो फाइल नहीं किया है, डाइवोर्स केस तो वो लाए हैं, डाइवोर्स केस वो लाए हैं, हम लोग का डाइवोर्स नहीं है। ज्योति सिंह लगातार रो रही थी? जी हाँ, वो पहले से कुछ डिप्रेशन में है, वो कुछ बोल नहीं पाती हैं वो खुल करके, समझिए ना। डिप्रेशन के भी दावा चल रहा है क्या ज्योति सिंह? अभी दावा के बारे में तो नहीं पूछे, लेकिन बातचीत से लगा जो बच्ची बहुत भावुक है, जो हमारा लाइफ बर्बाद हो गया, 23 साल लाइफ हो रहा है, एजुकेशन बर्बाद हो गया, बदनामी हाथ अलग लगा हमको, अब तो हम टेम्पू से भी चलने लायक नहीं, रिक्शा से चलना, पैदल भी चलने लायक नहीं रह गए कहीं का नहीं। तो हमको तो भाई जो एक सम्मानजनक ढंग से यदि कर देते हैं तो हम उसमें अपना जीवन बसर कर लेंगे, अपना पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, अपना रहने का व्यवस्था कर लेंगे, बाहर हट के जो सोसाइटी यहाँ का अगल बगल इलाका का है नोएडा में रह के अपना कर लेंगे, कोई जानेगा कोई नहीं जानेगा हमारे बारे में। तो बहुत बेचारी रोई है वहाँ पर, हम लोग सामने बहुत रोई है। क्या पवन सिंह कुछ स्वीकार नहीं किया कि हमें इतना देने के तैयार हूँ? जी नहीं, जी नहीं, 1 करोड़ रुपया वो जो कोर्ट के द्वारा कहा गया 1 करोड़ रुपया देने पर तैयार है। पहले 50 लाख बोले थे, उसके बाद 1 करोड़ पर आए? पहले हुआ था जो एक मकान दे देंगे या पढ़ाई लिखाई का जो इतना खर्च होगा लाइफ में, तो 50 लाख रुपया का वो जैसा कहा गया था जो 50 लाख रुपया दे देंगे। अब 1 करोड़ पर आ गए हैं? 1 करोड़ पर जी आ गए, 1 करोड़ पर आ गए। अगला जो डेट आएगा तो 2 करोड़ पर आ जाएंगे? अब 2 करोड़ पर आ जाएंगे, चाहे कहेंगे जो रखेंगे भी इस पर भी आ जाएंगे, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। क्या लग रहा है कि तलाक होगा कि नहीं होगा, पूरा दर्शक भी जानना चाहते हैं। देखिए, तलाक का मामला वही लाए हैं, लेकिन जो अर्जी में उन्होंने दिया है क्रुएल्टी का ग्राउंड दिया है, तो आउटराइट उनका जो डाइवोर्स केस है खारिज हो जाना चाहिए। क्रुएल्टी हमारे तरफ से नहीं हुआ है, क्रुएल्टी उनके तरफ से हुआ है। वो बच्ची को लखनऊ लाए, लखनऊ से उसके गांव लाए, गांव के बाद फिर कभी ले नहीं गए, तो हमारे तरफ क्या क्रुएल्टी? हमारे तरफ क्रुएल्टी था ही नहीं, उनको आके ले जाना चाहिए था, वहाँ 15-17 दिन रहे भी हैं साथ में बलिया में, तो वो ग्राउंड पर केस ही खारिज हो जाना चाहिए था उनका, लेकिन तभी केस चल नहीं लेकर आए गाँव। हाँ, उनको लेकर गाँव पर आकर उसको छोड़ दिए और चले गए, तो उनको ना संपर्क रहना चाहिए हमसे कि हम उनसे संपर्क करें। सूत्र से के हवाले से खबर है कि ज्योति सिंह हीरोइन बनना चाहती हैं, इसीलिए ऐसा ऐसा हो रहा। अच्छा, तो हमको तो नहीं लगता है ये गलत बात है, ज्योति सिंह मैं आपके साथ फिल्म में काम करेंगे तो क्या वजह है? वो सुंदर है, ये है जितना उनके पास हीरोइन है उससे तो खूबसूरत है, हम देखते हैं, हम तो लेकिन परिवार है ना भाई, आज तरीका परिवार के पर्दे पर नहीं लाना चाहते। जय बच्चन भी परिवार है, अमिताभ बच्चन भी परिवार है, दोनों हस्बैंड काम नहीं किया फिल्म में, ठीक है, काजल जी और अक्षरा जी के ले आए हैं, लेकिन वो लोग परिवार नहीं है, परिवार के साथ ये फिल्म नहीं बनाना चाहते। क्या उसमें नंगे नाचना है क्या? ये फिल्म नहीं बनाना चाहते, नंगे का नाचना है उसमें? नहीं, लेकिन परिवार के मान सम्मान होना चाहिए। अरे अब ये मान सम्मान नहीं है, डाइवोर्स दीजिए।
ईमान सम्मान का बात है जो डाइवोर्स दीजिए। लेकिन लगातार टॉर्चर कर रही थी कि ज्योतिष सिंह की हम आपके साथ काम करेंगे, हीरोइन बनेंगे। नहीं ऐसा बात नहीं है, ये सब बात नहीं है, हीरोइन तीरोइन बनने का बात नहीं है। तो अच्छा है तो अपना वो इंडस्ट्री बना लेते, अपना हस्बैंड वाइफ दोनों चलाते, अच्छा बात हो जाता है। ऐसा हीरो भी हम लोग देखे हैं ना, जो कभी हीरोइन का बदन नहीं टच किया, मनोज कुमार ऐसा भी हीरो देखे हैं, एक्शन में खाली रहता था और तभी उसका फिल्म चलता था। हो सकता है कि दूसरे हीरोइन के साथ फिल्म बनाते हैं, नाचते हैं, तो लगता है कि ज्योति सिंह कहीं ना कहीं विरोध करती होगी सिंह को। विरोध क्या करेगी, तो जहाँ मैंने थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी है, इतना समझदारी तो है ही, हस्बैंड हीरो है तो हीरोइन के साथ जाना है ये है, नाचना गाना है ये है, तो इतना विरोध की बात नहीं है, विरोध क्या करेगी। आपसे क्या बात हुआ ज्योति सिंह के? हमसे देखिए, हम किसी ना उनके फादर से कोई बातचीत करते ना उनसे बातचीत करते हैं, हम जो कोर्ट में गए जो सुने सो आपको बतला दिए, और कभी बातचीत करने का प्रयास भी उन लोगों से नहीं करते हैं, समझे ना। मानसिकता है, कुछ जानना चाहिए ना, मानसिकता है, रहना है साथ में, केवल रहना है, रहना है साथ में। कौन सी नहीं रखना चाहते? जी हाँ, पत्नी धर्म का पालन करना है। कौन सी नहीं रहना रखना चाहते? डाइवोर्स केस तो ही लाए हैं, इसी चलते नहीं रखना चाहते हैं, उन्हीं के ऊपर नहीं जाएगा। अब क्या होगा? अब आगे गवाही देंगे, उसमें गवाही देंगे, जो एंट्री मेंटेनेंस का हमारा पिटीशन पेंडिंग है, 3 लाख रुपए का डिमांड है, केस का लड़ने का, आने का, जाने का खर्चा खोरा की जो है वो एंट्री मेंटेनेंस होगा। ज्योति सिंह के मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, कानून तक मिलना चाहिए। यह अभी मिल नहीं रहा है? जी नहीं, अभी मिल नहीं रहा है। देखिए सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर जो हलचल हुआ, जो बहुत चौंकाने वाले बात कह रहे हैं विष्णुधर पांडे, यानी ज्योति सिंह के वकील हैं, यानी पवन सिंह ज्योति सिंह के लगातार यानी पक्ष में अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर। यानी पवन सिंह लगातार कोर्ट में पहुंच रहे हैं, सारा काम छोड़कर, फिल्म और गाना छोड़कर पवन सिंह पहुँच रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका भी समय बर्बाद हो रहा है। उनसे ज्यादा समय तो हमारे जो पार्टी उसका बर्बाद हो रहा है, यानी ज्योति सिंह के बर्बाद हो रहा है। महिला है, हाँ। उनके इतना पैसा वाली नहीं है, उसको किसी जगह से ले आने में कितना परेशानी है, उनको तो आना आसान आसान है, बॉम्बे से जहाज से उड़े आ गए, पटना पटना गाड़ी पकड़ चले यहाँ पर। उस बच्ची को घर से यहाँ लाना, इतना भरे समाज में टॉर्चर होती है, आती है जाती है बार बार, तो उनसे कम परेशान थोड़े बच्ची है। अब उनको इसका ख्याल नहीं है, आज हमारी पत्नी है, हमारे साथ रही है 6 महीना साल भर रही है, वो बदनाम हो रही है, हम उसको छोड़ने जा रहे हैं, बार बार टॉर्चर हो रही है। टॉर्चर तो उसी वक्त से शुरुआत हो गया जब वो डाइवोर्स केस ला दिए, किसी बच्ची पर कोई डाइवोर्स केस हस्बैंड आता, टॉर्चर उसी वक्त से शुरू हो गया उन तो उनको इस बात का ख्याल नहीं है, लेकिन उससे कम टॉर्चर थोड़े हुए है, वो मर्द हैं, वो औरत हैं, ज़्यादा उसका टॉर्चर है, ज़्यादा। आपसे पवन सिंह से कुछ भी बात नहीं हुआ? हम कभी बात नहीं करते, प्रयास भी नहीं किया? हम प्रयास कभी किसी से भी नहीं करते, समझौता के ऊपर नहीं। नहीं, न्यायालय है, ये है जो कहेगा वो मान्य होगा, न्यायालय है, न्यायालय सब लोग जिला के माध्यम से एक सेलिब्रिटी स्टार हैं, उनके माध्यम से नहीं बात किए? भाई हम लोग का औकात नहीं है बात करने का सेलिब्रिटी स्टार से, वो सुदामा सिंह बात कर सकते हैं, हम लोग हम पसंद नहीं करते हैं। यानी सुदामा सिंह उनका वकील बात कर सकते? हाँ, वो सब दोनों जगह बात करते होंगे, वो बात कर सकते, हम नहीं बात करते हैं, हम किसी क्लाइंट को अपना नंबर नहीं देते हैं। चलिए ठीक है, देखिए ज्योति सिंह का वकील हमारा साथ हैं, विष्णुधर पांडे, लगातार हम लोग स्टेटमेंट लेते रहते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो कल जो कोर्ट में हलचल हुआ वे जानकारी दे रहे हैं। ज्योति सिंह कहीं ना कहीं भावुक हो चुकी हैं, यानी रहना चाहती हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कहना ही नहीं है। कैसे रहना चाहती हैं? कैसे, फुल डिग्निटी के साथ रखेंगे, एज ए वाइफ, वाइफ को जैसे रखा जाता है उस तरह रखेंगे, तो रहना कोई चाहेगा रहना, बिल्कुल। देखिए यानी रहना चाहती हैं ज्योति सिंह, लगातार भावुक हो चुकी थी कल कोर्ट में, और लगातार सोशल मीडिया में ये खबर वायरल है। हमारा साथ विष्णुधर पांडे हैं, अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर। कैमरामैन विनोद के साथ मैं मनीष कुमार, आरती लाइव, भोजपुर बिहार। अच्छा ठीक है ठीक है, विष्णु जी ये बताइए, केस को बलिया भी बलिया कोर्ट में ट्रांसफर करने का बातचीत चल रहा है? प्रयास करेंगे, ये बलिया उसको आने जाने परेशानी हो रहा है बच्ची को, हाँ। वो हाई कोर्ट हम लोग जाएंगे उसके लिए, हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट कहीं जाना हो हम लोग जाएंगे उसके लिए, हाँ। तो ट्रांसफर कराने की भी संभावना है, ट्रांसफर भी हम लोग करावेंगे। क्यों आराम में क्यों नहीं होगा? उस बच्ची को आने जाने बहुत परेशानी है। आप केस नहीं लड़ेंगे? नहीं, दूसरा वकील लड़ेंगे वहाँ पर, उससे क्या लेना देना है? आपका तो बिजनेस बंद हो जाएगा। नहीं, हम लोग का बिजनेस नहीं है, मर्द महर में बिजनेस कौन चाहिए जी,
सभी लोग सोचते हैं वकील कि मेरा बिजनेस चलना चाहिए। ना ये बिजनेस नहीं है, मर्द महक लड़ाई में कोर्ट भी सोचता है, वकील भी, दोनों पक्ष के सुदामा बाबू सोचेंगे, हम भी सोचेंगे, दोनों मिल जाए। नहीं मिलना तो अपना अपना तलवार खींचा हुआ है, आप भी लड़िए, हम भी लड़िए। चलिए देखिए, एक ऐसे ही शख्स हमारे सच्चाई वकील बोले कि भाई हमारा बिजनेस नहीं चलना चाहिए, ये जहाँ जाए जहाँ जाए। हाँ, वो बिजनेस का बात नहीं है उसमें, उसमें बिजनेस का बात नहीं। चलिए, होना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।